दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस करंट अफेयर्स के जो क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो है और चौंकाने वाले कई परिवर्तनकारी जो है न्यूज और घटनाओं को जो है सम्मिलित करेंगे। इसमें कुछ मुख्य जो घटनाएं हैं वो यूपीएससी और दूसरी तरफ डेमोग्राफिक जो डेटा है उससे संबंधित है। इसके साथ साथ जो है मुख्य घटनाओं के साथ साथ जो कुछ अन्य जो है महत्वपूर्ण घटनाओं को भी हम लोग जो देखेंगे। आज 26 नवम्बर है और 26 नवंबर को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया था। भारतीय संविधान में देश के समक्ष आने वाले विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियों, विभिन्न प्रकार की घटनाओं, विभिन्न प्रकार के जो विशिष्टताएं थी उनको सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। इन्हीं सब बिंदुओं के कारण से जो है भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी बन गया और इस संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू किया गया। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। भारत के सभी लोगों को जो है एक समान दर्जा देने के साथ साथ जो है कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के बेहतरी के लिए कुछ सकारात्मक अफर्मेटिव एक्शन की भी बात भारतीय संविधान में की गई है। तो इन सभी बातों के कारण से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। संविधान देश का एक ऐसा जो है दस्तावेज है जिसमें देश के सभी नागरिकों की जो है राजनीतिक मौलिक अधिकार, देश की शासन व्यवस्था के बारे में जो है डिटेल में चर्चा किया गया है। इसी के साथ दूसरी एक महत्वपूर्ण जो न्यूज है वो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को लेकर के जो आ रही है वो ये है कि पिछले लंबे समय से जो मुकेश अंबानी देश के सबसे धनी व्यक्ति की सूची में पहले स्थान पर थे और अभी हाल में हाई रिपोर्ट के बाद जो है गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ करके एशिया के सबसे बड़े जो है व्यक्ति बन गए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है न्यूज है जो ये बताता है कि भारत में इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जहां पर किसी भी व्यक्ति के कहीं पर भी पहुंचने की संभावनाएं हैं। ये 1991 के बाद भारत में जो है अपनाई गई उदारवादी और नई आर्थिक नीति का परिणाम है कि यहाँ पर सभी लोगों को अपने दायरे में या नियम कानून के दायरे में रह करके जो है किसी भी हद तक आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से पहुंचने की संभावनाएं जो है विद्यमान है। तो ये जो है न्यूज रही जो है गौतम अडानी जो कि एशिया के सबसे बड़े जो है व्यक्ति बन गए हैं, आर्थिक मामलों में एशिया के सबसे बड़े जो है व्यक्ति बन गए हैं। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण न्यूज आईएनएस बेला इसे अभी हाल में ही भारत में नौसेना के मुंबई के जो है नौसेना के डॉकयार्ड से संचालित किया गया है, इसे चालू किया गया है। और आईएनएस बेला यह जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण दो डेटा है, एक तो इसे मुंबई से कई बार ये भी पूछा जाता है कि इसे कहाँ पे भी सम्मिलित किया गया और कहाँ से जो इसे शुरू किया गया। तो ये मुंबई है, मुंबई के जो है नौसेना के डॉकयार्ड से इसे चालू किया गया है। और दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि यह स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण न्यूज इस आईएनएस बेला से जो है संबंधित है। दूसरी तरफ हम लोग जो है एक महिला प्रधानमंत्री बनाई गई हैं, जो है महिला प्रधानमंत्री मैग्डनेला एंडरसन, मैग्डनेला एंडरसन इन्हें जो है स्वीडन की जो है प्रधानमंत्री बनाया गया है। और केवल इनका प्रधानमंत्री बनना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इनका प्रधानमंत्री बनना इस दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यह स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और चूंकि भारत में जो है और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में महिला और पुरुषों की बराबरी के लिए महिलावादी आंदोलन जो चलते रहे हैं, तो इन सभी बातों की जो पृष्ठभूमि में इनका वहाँ पे प्रधानमंत्री बनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि भी है, महिलाओं के लिए है और महिला आंदोलन के लिए है या महिला और पुरुष की बराबरी के लिए है। देश में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, मैग्डलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है बनाई गई हैं। दूसरी अगली महत्वपूर्ण न्यूज एससीयू को लेकर के है, यानी कि संघाई सहयोग संगठन के लिए है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन के लिए है। तो इसकी अभी हाल में ही जो है 25 नवंबर को एक बैठक हुई है, इसका सम्मेलन हुआ है। कई बार यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, यह जो क्षेत्रीय एक संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपसी सहयोग के माध्यम से विकास के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसकी जो इसका सम्मेलन जो है वो नूर सुल्तान में जो है
अब नूर सुल्तान लगता है एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन यह जो है कजाकिस्तान की जो है राजधानी है, कजाकिस्तान की यह जो है राजधानी है, कजाकिस्तान की जो है यह राजधानी है, कौन सा? नूर सुल्तान जो है कजाकिस्तान की राजधानी है, जहां पर संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसके पूर्व में इसका नाम अस्ताना था, और उसके भी पूर्व में, यानी कि अगर देखा जाए द्वितीय विश्व युद्ध या उसके पूर्व की जो है पहले की बात, तो इसका नाम जो है, इसकी राजधानी जो है अल्माटी हुआ करती थी। तो यह भी जो है राजधानियों के जो है नाम को बदलने या शहर को बदलने की एक कहानी है, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान उसके पूर्व में अस्ताना के रूप में जो है व्यक्त की जाती है। तो ये जो है न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन को देकर के। तो एक INS बेला हो गया, मैग्डलेना एंडरसन जो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हो गई, और SCU जो है नूर सुल्तान कजाकिस्तान में हो गया। एक और महत्वपूर्ण जो इकोनॉमी के क्षेत्र से आ रही है वो ये है कि ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई सहयोग संगठन और भारत सरकार के बीच में $300 मिलियन को लेकर के एक समझौता किया गया है, एक ऋण समझौते पर जो है दस्तखत किए गए हैं, और ये समझौता प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए जो है किए गए हैं, यानी कि भारत में जो है प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार और ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच 300 मिलियन ऋण के जो है लेकर के जो एक समझौता किया गया है, जिससे भारत में जो प्राथमिक स्तर पर जो स्वास्थ्य की सेवाओं की बेहतरी को जो सुनिश्चित किया जाना संभव हो सके। तो कई बार स्वास्थ्य को लेकर के, रक्षा को लेकर के, आपराधिक सूचनाओं को लेकर के, इस तरीके से जो है विभिन्न देशों में द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अलग कई देशों से मिल करके समझौते होते हैं, जिससे एक दूसरे का जो दोनों देश सहयोग करते हैं, और इससे संबंधित सूचनाएं भी जो पूछी जाती है, यह दोनों देशों के बीच में ना केवल जो संबंधों की बेहतरी के लिए बल्कि एक दूसरे के क्षेत्र में विकास के लिए सहयोग का भी द्योतक होता है। तो इस तरीके से जो है ADB और प्लस जो है भारत सरकार, ADB प्लस जो है भारत सरकार के बीच में ये जो है $300 मिलियन की जो है $300 मिलियन ऋण के जो है समझौते पर जो है एक हस्ताक्षर जो किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण जो सूचना है वो ये है कि जो कि UPSC से आ रही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS 2021 में बालक और बालिका GIC संवर्ग के लिए जो है प्रिंसिपल के पद पर जो आयु से संबंधित जो है अर्हता होती थी उसको सम्मिलित नहीं किया था, जिसके संदर्भ में उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2021 को ऐसे अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष जो है होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है। बालक बालिका का तात्पर्य यहाँ पे GIC और GGIC से है, जो कि बहुत ही लंबे समय से जो है प्रदेश के अलग अलग जिलों में दो कॉलेजों के रूप में होती थी, बाद में राष्ट्रीय माध्यमिक साक्षरता अभियान के अंतर्गत जो है पिछड़े हुए ब्लॉकों में माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को जो है सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो है कुछ हाई स्कूल स्तर तक के भी जो स्कूल खोले गए हैं, जिन्हें जो है हम योजना के स्कूल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो प्रधानाचार्य के पद की बात कही गई है, ये क्लास 2 गजेटेड की बात है, जो कि GIC और GGIC जिन्हें बालक और बालिका के रूप में जाना जाता है, कि प्रधानाचार्य के लिए है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा के द्वारा जो भर्ती निकाली गई PCS 2021 की परीक्षा में एक बहुत काफ़ी संख्या में जो है की जा रही भर्ती की जो है महत्वपूर्ण सूचना है, जो कि आयु से जो संबंधित है, ये आप लोगों को जानना भी चाहिए। खैर, इस पद के लिए जो है माध्यमिक स्तर के जो स्कूलों में जो है आपके पढ़ाने के अनुभव को भी अर्हता के रूप में जो है लिया जा रहा है। तो ये थी न्यूज जो है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा। और दूसरी महत्वपूर्ण जो सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक उपलब्धि भी कही जा सकती है, वो ये है कि नेशनल फैमिली हेल्थ एंड सर्वे के द्वारा एक रिपोर्ट अभी जारी की गई है, जिसमें भारत में जो है पुरुष और महिलाओं की संख्या के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी जो है खबर आई है, जिसमें महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 दिखाई गई है, और ये पिछले 10-20 दशकों में जो है पहली बार ऐसा हुआ है जब महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, और इसी सूचना में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, जो सूचना आई है, इसमें दूसरी जो महत्वपूर्ण सूचना वो प्रजनन दर को लेकर के है। इसमें प्रजनन दर भारत में 2 दिखाया गया है,
जबकि भारत में दो तीन आंकड़े इसके इससे रिलेट करते हैं। एक तो दो है जो कि वर्तमान समय में इस रिपोर्ट पे दिखाई गई है, दूसरा यह है कि 2.1 जो कि एक प्रतिस्थापन दर के रूप में जो है प्रजनन दर को माना जाता है, यानी कि 2.1 अगर है तो वहां की जनसंख्या जो स्थिर मानी जाती है। 2.1 को स्थिर इसलिए माना जाता है क्योंकि कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जहां पर व्यक्ति आने वाले समय में जो है संतान उत्पत्ति से पूर्व में किसी न किसी घटना के कारण से जो है उसका निधन हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो वो 0.1 की जो जनसंख्या है प्लस होती है, 0.1 यानी कि 0.1 जो प्लस होता है वह इसी प्रकार की जनसंख्या से, इसी प्रकार की जनसंख्या को जो समायोजित करते हुए भारत या किसी भी देश की जनसंख्या को जो स्थिर बनाता है। और इसके पूर्व में भारत का पिछले जो आंकड़े आए थे, पिछली बार की जो जनगणना हुई थी, उसमें भी जो है 2.1 से ज़्यादा यहाँ की जो है प्रजनन दर यानी कि रेट जो था जन्म की वो 2.1 से ज़्यादा था, लेकिन इस रिपोर्ट में 2 बनाया गया है। और अगर 2 बताया जा रहा है तो इसका तात्पर्य है कि आने वाले समय में भारत की जनसंख्या घट सकती है। तो कुल मिलाकर के जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है उसमें 2 डेटा को जो है समझना बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो प्रजनन दर है और दूसरा लिंगानुपात जो कि प्रति 1000 पुरुषों पर अब 1020 हो गई है। ये तो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित फैक्ट हो सकते हैं, लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो मुख्य परीक्षा से संबंधित जो इसी से जो बनती है वो ये है कि यदि पूछा जा सकता है, और कई बार ऐसे यूपीएससी या यूपीपीएससी जो है प्रश्न को डिजाइन करते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट में जिस तरीके से लिंगानुपात को दिखाया गया है उसके क्या निहितार्थ हैं और उससे क्या भारत में जो है सोच के बदलाव को जो है प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे आपको सोचने की जरूरत है। निश्चित तौर पर पिछले लंबे समय से जो है महिलाओं की संख्या जो है घटी थी या जो है उसका आंकड़ा जो है 1000 से कम रहता था, और इस बार के जो आंकड़े में 1000 से ज़्यादा 1020 तक जो है पहुंची है, तो निश्चित तौर पर यह एक सकारात्मक परिवर्तन है। महिलाओं के प्रति लोगों की सोच में जो है सकारात्मक बदलाव आया है, हर फील्ड में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि वो पुरुष के कंधे से कंधे मिला करके जो है निश्चित तौर पर भारत में विकास के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो ये मुख्य परीक्षा से संबंधित सवाल भी हो सकता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में कुछ नए महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।